आईकू नियो 9 चाइना में जो लॉन्च हुआ है वो इंडिया में आईकू नियो 9 प्रो बन के फेब्रुअरी में लॉन्च हो जाएगा। जो वन प्लस ए 3 लॉन्च हुआ चाइना में वो जनवरी के 23 तारीख को इंडिया में वन प्लस 12R बन के लॉन्च हो रहा है और ये दोनों फोन्स काफ़ी अच्छे कॉम्पेटिटर्स बनेंगे। तो चलो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों फोन्स में बेहतर कौन है, कौन हमें सबसे ज़्यादा अच्छा वैल्यू दे रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। आईकू नियो 9 के डिस्प्ले स्पेक्स की बात की जाए जो इंडिया में आईकू नियो 9 प्रो बन के लॉन्च हो रहा है, यहाँ पर आपको 6.78 इंचेस का एक 1.5K रेजोल्यूशन वाला विजनऑक्स का 8TVM7 OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 144 हर्ट्स रिफ्रेश रेट होगा, 300 हर्ट्स का टच सैम्पलिंग रेट, 2160 हर्ट्स का PWM-DC डिमिंग भी है, 3000 नीट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, HDR10+ भी है, DCI-P3 कलर गैमेट भी है, 452 का PPI है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा और 10 बिट के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। OnePlus 12R में आपको 6.78 इंचेस का एक 1.5K रेजोल्यूशन वाला BOE का X180 LTPO Pro XDR OLED डिस्प्ले मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, 2160 हर्ट्ज का PWM-DC डिमिंग भी है, डॉल्बी विजन भी है, 10 बिट के कलर्स हैं, HDR10+ का सपोर्ट है, DCI-P3 कलर गैमेट भी है, 450 का PPI है, 1600 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, 4500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, पिक्सल वर्क्स का X7 इंडिपेंडेंट चिप भी देखने को मिल जाता है, ओप्पो का P1 डिस्प्ले चिप भी है, HDR विविट का भी सर्टिफिकेशन मिला है और Z Real का भी सर्टिफिकेशन है इसमें। मेरे भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है OnePlus Ace 3 के डिस्प्ले स्पेक्स बहुत आगे निकल जाते हैं आईकू नियो 9 के डिस्प्ले स्पेक्स से, यानी कि OnePlus 12R के डिस्प्ले स्पेक्स बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं आईकू नियो 9 प्रो के डिस्प्ले स्पेक्स से। देखो यार, अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस को भी अगर इग्नोर मार दें लेकिन फिर भी OnePlus Ace 3 का जो डिस्प्ले टाइप है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। BOE का X1 Pro XDR डिस्प्ले यूज़ किया है OnePlus ने अपने OnePlus Ace 3 में, जो काफ़ी महंगा भाई डिस्प्ले टाइप है एंड वो प्रीमियम फ्लैक्सी फोन्स में देखने को मिलता है 70,000 रुपए के फोन्स में। OnePlus 12 को ही देख लो एंड भाई वो इतने जल्दी सस्ते कैटेगरी में देखने को नहीं मिलता है, तो यार ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। ऊपर से डिस्प्ले मेट ने A+ का रेटिंग दिया है OnePlus 12R को, OnePlus Ace 3 को, और भाई बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस पे तवज्जो दोगे तो भाई डॉल्बी विजन भी मिल जाता है, 4500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, खैर ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, ये भी देखो यार। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं जो आईकू नियो 9 दे नहीं पाता है, ठीक है। ऊपर से कर्व डिस्प्ले भी यहाँ पर है। आईकू नियो 9 और OnePlus Ace 3 को अगर मैं सिंपल वे में समझाऊँ तो आईकू नियो 9 में जो डिस्प्ले मिल रहा है वो 25,000 रुपए के फोन्स में जैसा मिलता है वैसा दिया जा रहा है, लेकिन जो OnePlus Ace 3 में डिस्प्ले स्पेक्स आपको मिल रहे हैं किसी 60-70,000 रुपए के फोन्स में जैसे मिलते हैं वैसे मिल रहे हैं आपको, तो यार बहुत ज़्यादा अंतर है। चलो कैमरास की बात करते हैं। आईकू नियो 9 जो इंडिया में आईकू नियो 9 प्रो बन के लॉन्च होने वाला है, देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ यार, इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 50 megapixel का वाइड एंगल कैमरा, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। जो प्राइमरी कैमरा है वहाँ पर OIS आपको मिल जाएगा, सोनी IMX920 के कैमरा सेंसर के साथ है। जो अल्ट्रा वाइड है वहाँ पर ओमनीविजन का कैमरा सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 16 का सेल्फी मिल जाएगा सैमसंग के सेंसर के साथ है, 3P9 अगर मैं मॉडल नंबर बताऊं तो। 4K में आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे सेल्फी कैमरा से, 1080p में 30fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे। वहीं अगर OnePlus Ace 3 की बात करें जो इंडिया में OnePlus 12R बन के लॉन्च हो रहा है, यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 50 megapixel का वाइड एंगल कैमरा, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 megapixel का मैक्रो। जो प्राइमरी कैमरा है वहां पर आपको सोनी IMX890 का कैमरा सेंसर मिल जाएगा, OIS है। जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है सोनी IMX355 के कैमरा सेंसर के साथ है, जो 2 मेगापिक्सल का है वो ओमनीविजन के कैमरा सेंसर के साथ है। 16 का सेल्फी मिल जाएगा सैमसंग के सेंसर के साथ, 3P9 आप मेन कैमरा से 4K में 30fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे, 4K 60fps पे भी कर सकते हो, सेल्फी कैमरा से 1080p में 30fps पे। देखो मेरे भाई मैं जानता हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि आईकू नियो 9 के कैमरा ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सोनी IMX920 का प्राइमरी कैमरा वहाँ पर मिलता है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो सोनी IMX890 ज़्यादा सुपीरियर है सोनी IMX920 से, समझ गए। तो OnePlus Ace 3 में ज़्यादा बेहतर कैमरास मिलते हैं, OnePlus 12R में आपको बहुत अच्छा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिल जाता है
और मैक्रो भी है, उसको भी काउंट कर ही लेते हैं। और भाई सेल्फी तो दोनों में सेम है, लेकिन मेरे भाई इस बात को भी हम नहीं भूल सकते कि OnePlus अपने कैमरास में बहुत ही तगड़े ऑप्टिमाइजेशन करता है। उसके सॉफ्टवेयर से कैमरास के हार्डवेयर का कनेक्शन बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है, वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि मज़ा आ जाता है। इसी वजह से बंदे लोग कैमरास के लिए OnePlus के फ़ोन्स को भी ज़्यादातर खरीदने की कोशिश करते हैं। उसी जगह IQ इतना अच्छा नहीं ऑप्टिमाइजेशन कर पाता है, हार्डवेयर भले ही अच्छा दे कैमरास में, लेकिन स्टिल उसके कैमरास इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं जितने OnePlus के, सैमसंग के, वीवो के होते हैं। वीवो भाई कैमरास में बहुत अच्छा काम करता है, इसी वजह से तो IQ नहीं कर पाता है, लेकिन परफॉर्मेंस वाले सेक्टर में IQ बहुत अच्छा काम कर देता है। तो कैमरास भाई OnePlus A3 यानी कि OnePlus 12R में आपको बेहतर मिलते हैं। चलो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। IQ Neo 9 में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मिल जाएगा, जो एक 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। Adreno 740 का GPU मिल जाएगा। OnePlus 12R में आपको Qualcomm का प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, जो एक 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। Adreno 740 का GPU मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस आपको दोनों फोन्स में सेम मिलेंगे, ना कोई जीता ना कोई हारा। देखो मेरे भाई, मैं जानता हूँ कुछ भाई लोग पक्का बोलेंगे, सुफियान भाई IQ Neo 9 सीरीज के फोन्स में तो IQ का Q1 चिप है जो परफॉर्मेंस को थोड़ा सा लेवल अप कर देता है। तो यार OnePlus A3 में भी तो Pixelworks का इंडिपेंडेंट चिप है, वो डिस्प्ले को भी थोड़ा सा लेवल अप करता है, परफॉर्मेंस को भी लेवल अप करता है। दोनों ही फोन्स में आजकल ये ट्रेंड बन गया भाई स्मार्ट चिप्स का। चलो मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। OnePlus A3 aka OnePlus 12R में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 4.0 का चॉइस सपोर्ट, LPDDR5X रैम टाइप, 5500 mAh बैटरी, 100 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, ऑक्सीजन OS 14 पे रन करेगा। आपको 3 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, 4 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिल जाएंगे, किस्मत अच्छी रही तो। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, डॉल्बी एटमॉस के साथ हैं, तो साउंड क्वालिटी एक नंबर रहेगा। NFC भी है, वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, IR ब्लास्टर भी है, हम सबका प्यारा दुलारा अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिल जाएगा, कमाल का 3D VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, और कमाल का X एक्सिस लाइनर मोटर भी है जो कमाल के वाइब्रेशंस देगा। लेजेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप ही इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, और कोई नहीं समझ सकता। और यहाँ पर आपको बैटरी सेक्शन मैनेजमेंट के लिए ओप्पो का सुपरवुक S चिप भी देखने को मिल जाता है, USB-C 2.0 के साथ। वहीं अगर IQ Neo 9 की बात की जाए, जो इंडिया में IQ Neo 9 Pro बनकर लॉन्च होगा, यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 4.0 का चॉइस सपोर्ट, LPDDR5X रैम टाइप, 5160 mAh बैटरी, 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, फन टच OS 14 पे रन करेगा या फिर जो भी लेटेस्ट वर्जन हो उस पे रन करेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, लेकिन डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। NFC है, Wi-Fi 7 है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिल जाएगा, IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा, और कमाल का 3D VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है, बहुत ही अच्छा X एक्सिस नाइटर मोटर भी देखने को मिल जाएगा, USB-C 2.0 के साथ आपको देखने को मिलेगा टाइप सी पोर्ट। देखो यार, बात एकदम सिंपल सा है, दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी अच्छे ऑलमोस्ट सेम मेन स्पेसिफिकेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई OnePlus 12R में थोड़े बेहतर मेन स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, जैसे कि आपको बैटरी मैनेजमेंट के लिए चिप दे दिया गया है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स थोड़े से बेहतर हैं, अलर्ट स्लाइडर भी मिल जाता है, बड़ा बैटरी है 5500 mAh का। तो यार ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा बेहतर बना देती हैं OnePlus A3 को। और हाँ, ये बात मत भूलना, IQ के फ़ोन्स में IQ इतने लंबे टाइम तक अपडेट्स नहीं देता है, अगर देता भी है तो अपने प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स नंबर सीरीज के फोन्स में देता है, लेकिन OnePlus के जो R सीरीज के फोन्स होते हैं, OnePlus आराम से 4 साल तक अपडेट्स देता ही देता है, तो ये बात भी याद रखना। चलो अब बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। दोनों स्मार्टफोन्स के डायनामिक्स से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप समझ जाओगे। जो IQ Neo 9 सीरीज के फोन्स हैं उनमें आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, ग्लास वेरिएंट्स और लेदर वेरिएंट्स, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले लीजिएगा। देखो यार, डिज़ाइन सब्जेक्टिव है, हम लोग डिज़ाइन के ऊपर इतना चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन डिज़ाइन वाइज अगर मेरे को किसी एक स्मार्टफोन को चूज़ करना हो तो मेरे को OnePlus का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर, अगर बिल्ड वाइज बात करें तो IQ Neo 9 में आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाएगा, लेदर बैक होगा या फिर ग्लास बैक होगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप लोगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। IP54 का रेटिंग मिल जाएगा। वहीं OnePlus A3 aka OnePlus 12R में आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा, इजी फ्रॉस्टेड ग्लास है, एल्यूमिनियम फ्रेम होगा, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, विक्टस 2 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है OnePlus A3 आपको ज्यादा प्रीमियम फील करवाएगा, अगर आप उसको अपने हाथ में पकड़ोगे, इसको यूज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा प्रीमियम फील होगा कि आपने जितना पैसा दिया है आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट मिल भी रहा है, क्योंकि यार ग्लास बैक, एल्यूमिनियम फ्रेम, विक्टस 2, ये सब के सब OnePlus A3 OnePlus 12R को
काफ़ी प्रीमियम बना देते हैं। एक प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और एक फ्लैगशिप फ़ोन में तो ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए। उसी जगह अगर आप प्लास्टिक फ्रेम, लेदर बैक या फिर ग्लास बैक, इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि आप मिड रेंज फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे हो। चलो अब बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये दोनों स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। पहले चाइनीज प्राइसेस आपको बता देता हूँ। आईकू नियो 9 का जो बेस वेरिएंट है, जो इंडिया में आईकू नियो 9 प्रो बनके लॉन्च होगा, 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, 26,800 रुपये, 26,800 रुपीज़। उसी जगह वन प्लस 8 3 AKA वन प्लस 12R का जो बेस वेरिएंट है, 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, 30,400 रुपये, 30,500 रुपीज़। चाइना में भी भाई ये बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, तो चाइना में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन इन दोनों फ़ोन्स के बीच में हो रहा है। अब अगर इंडियन प्राइस अवेलेबिलिटी की बात की जाए, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, आईकू नियो 9 इंडिया में आईकू नियो 9 प्रो बन के लॉन्च होगा फरवरी के मंथ में। निपुण मारिया सर कन्फर्म भी कर दिए हैं फरवरी के स्टार्टिंग में ये लॉन्च हो जाएगा। इसका प्राइस आपको दिखाई देगा 37,000 रुपीज़ के आसपास, 37,000 रुपये के आसपास होगा, और आपको ऑफर्स वगैरह लगा के ये मिल जाएगा 35,000 रुपये तक। ये तो मुझे पहला इन्फॉर्मेशन पता चला था। जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये फ़ोन 35,000 रुपये में लॉन्च होगा इंडिया में, ऑफर्स वगैरह लगा के आपको 30,000 रुपये तक मिल जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये कमाल का फ़ोन बन जाएगा। उसी जगह अगर वन प्लस 8 3 AKA वन प्लस 12R की बात की जाए, तो जनवरी की 23 तारीख को ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है। इसका प्राइस शुरू होगा 40,000 रुपये से, 39,999 ये प्राइस होगा, और ये लगभग एग्जैक्टली सही प्राइस आपको मैं बता रहा हूँ। देखो यार, इस वीडियो का यही मोटिव था कि इन दोनों फ़ोन्स में कौन बेहतर है ये कैसे पता लगाया जाए। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों में कौन बेहतर फोन है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को खरीदना पसंद करोगे। अगर आपको OnePlus 12 और iQOO 12 में ये जानना है कि बेहतर कौन है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, और भी आपको कॉम्बिनेशन वहां पर मिल जाएंगे, चेक कर लीजिएगा आप। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। With the bills.